हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एट लास्ट इंतज़ार खत्म हो गया। आज यानी 7 अप्रैल को आईपीएल की शुरुआत होगी वानखेड़े स्टेडियम से, जहां पे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आपस में भिड़ेंगे। करीब 2 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में अपना कमबैक कर रही है और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बहुत ही एक्साइटेड है। ये दोनों ही टीम, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, पेपर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखती है। देखते हैं मैदान में कौन बाजी मारता है। मुंबई इंडियन जरूर प्रेशर में होगा क्योंकि मुंबई इंडियन डिफेंडिंग चैंपियंस है और इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स वहां से ही स्टार्ट करना चाहेगी जहां पे उन्होंने 2015 में छोड़ा था। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को रिटेन किया था, वही राइट टू मैच कार्ड के जरिए कृणाल पांड्या और किरण पोलार्ड को खरीदा था। मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में ईशान किशन को 6 करोड़ में खरीदा था। उन्होंने एल्विन लुइस, मुस्तफिजुर रहमान, पैट कमिंग्स को भी खरीदा था। वही चेन्नई सुपर किंग्स ने कैप्टन MS धोनी, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना को रिटेन किया था और राइट टू मैच कार्ड के जरिए ड्वेन ब्रावो और फाफ डुप्लेसी को खरीदा था। इसके अलावा CSK ने शेन वॉटसन, हरभजन सिंह, मुरली विजय और अंबती राइडू को भी खरीदा था। अब बात करते हैं आज के मैच की। मुंबई के वानखेड़े के पिच बैटिंग के लिए पैराडाइज माना जाता है और बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो 180 प्लस का स्कोर जा सकता है। मुंबई के लिए हो सकता है एविन लुइस और ईशान किशन ओपन करे। ये दोनों पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर एविन लुइस चल गए तो वो पूरा गेम को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके बाद मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, पांड्या ब्रदर्स और किरण पोलार्ड। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है, तो अगर वो 180 से ऊपर स्कोर बनाते हैं तो उसको डिफेंड कर लेंगे। अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करती है तो उनका स्कोर 160 प्लस हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पर बिग हिटर ज़्यादा नहीं है। CSK को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए सुरेश रैना पर ही डिपेंड रहना होगा। शेन वॉटसन और मुरली विजय पारी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नंबर 3 और 4 पे सुरेश रैना और MS धोनी मिडल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं। और अंत में आके केदार जाधव अच्छा फिनिश करके 160 से 170 तक स्कोर पहुंचा सकते हैं। आज का हमारा प्रिडिक्शन ये कहता है कि मुंबई इंडियंस आज के मैच में बाजी मार सकती है। तो दोस्तों, IPL के सारे न्यूज़ और सारी प्रिडिक्शंस जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।